हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे आप सभी को अशोक लीलैंड की गाड़ियों में जो क्राउन लगी रहती है उसको डिसमेंटल कैसे किया जाता है। तो आज हम डिसमेंटल करके बताएंगे कैसे डिसमेंटल होता है, वो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा कंपनी का है, वो भी आपको दिखाते हैं। मैरिटोर है, किस किस गाड़ियों में लगाया जाता है, एक ट्रैक्टर टेलर में आता है, दो चार ऐसा मॉडल है जिसमें आता ही आता है, उसको डिसमेंटल करके बताएंगे कैसे डिसमेंटल किया जाता है इसको पूरा देखिएगा। तो इसको डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ का इसको बोलते हैं चेकनट लंचा, जिसमें लॉक रहता है इसको पहले खोलेंगे, इसमें गोटी लगाएंगे 55 का सॉकेट और इसको खोलेंगे। तो ये फ्लेंचा को लॉक करेंगे, ये पुलर है फ्लेंचा लॉक करने वाला, SMT है, इसको यहाँ बोल्ट से लॉक कर देंगे, बोल्ट के जरिए लॉक हो रहा है ताकि झटका मारेगा, ये खोलने टाइम में इसके झटका के कारण ये घूम ना पाए, फ्लेंच को घूमता है, घूमने में इसको नहीं देगा ये। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब खोलना इसको, इसमें अब गन डालेंगे, खोलना शुरू लगा है और बिजली खुल चुका है, जो कि अब देखिए नट बाहर आ चुका है, ये देखिए अब इसको बाहर करेंगे, तब इस तरीके से ये खुल गया, अब इसको बाहर करेंगे पिनियन को बाहर करेंगे, घुमा घुमा कर थोड़ा थोड़ा टोकेंगे पिनियन बाहर आ जाएगा। इसके पीछे वाल सील होता है जिसके कारण थोड़ा टाइट होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है निकालने में, घबराना नहीं है, जो टूट जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, आएगा। तो देखिए इस तरीके से मारने से ये पिनियन बाहर आ रहा है, ये बाहर निकल गया फ्लेंच और पिनियन ओपन हो गया। ये रहा इसका वाल सील जिसके कारण ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये अंदर तक रहता है जिससे थोड़ा टाइट रहता है, निकालने में दिक्कत होता है। यहाँ पीछे के लिए फिर पीछे साइड से डिसमेंटल करना होता है, जिसके लिए ये जो दिखाई दे रहा है बोल्ट एडजस्टिंग के लिए, ये चार बोल्ट होता है, इसको इसमें 32 नंबर है, किसी में 33 नंबर आता है, 33 नंबर सॉकेट से 32 नंबर का सॉकेट से इसको अभी खोलेंगे। मेरा गन आंधी है, इस पर खुल गया, चारों को लूज खोल कर लेंगे। साइड कर लेंगे, अब ये रहा एडजस्टिंग, इसको भी ये रहा एडजस्टिंग, इसका साइड बैंडिंग है, इसको भी साइड कर लेंगे। तो ये जब साइड का यहाँ का आगे का खोलने के बाद यहाँ एडजस्टिंग बोल्ट होता है, एडजस्टेबल होता है, इसको पहले 46 के रिंच के सहायता से इसको खोल लेंगे, पानी सहायता चाबी की सहायता से, फिर इसको लूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर से इसको लूज करेंगे अब यहाँ से, इसके कारण इस तरीके से इसको लूज कर लेंगे एडजस्टिंग को, स्क्रू ड्राइवर से बताइए ठीक पिनियन को, अब बाहर आसान से अब बाहर आ जाएंगे तरीके से, इसको बाहर निकाल, ये हो गया बाहर, ये सारा बोल्ट खोल के अब डिसमेंटल करेंगे। चलिए अब पिनियन हाउसिंग को, ये रहा पिनियन हाउसिंग, इसको अभी डिसमेंटल करके बताएंगे कैसे डिसमेंटल होता है। 18 नंबर का सॉकेट लिया और इसको खोल लेंगे, पूरा पूरा का पूरा बोल्ट बाहर निकाल देंगे। पिनियन पे मारने के बाद देखिए हाउसिंग कैसे बाहर आ रहा है, यही है पिनियन,
इस पर हम थोड़ा इधर से चोट मारेंगे, उधर बाहर निकलेगा इसका हॉल। पिनियन बाहर इसका सीम है, वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। इसका बैरिंग है, यह है पूरा फुल क्राउन स्पाइडर के साथ। अभी इसको भी डिसमेंटल करना होता है अलग, अब इसको डिसमेंटल करके बताएंगे क्या क्या इसके अंदर है। यही है क्राउन, इसके अंदर होता है स्पाइडर। इसको हम फिर 24 नंबर का सॉकेट है, ये सॉकेट करेंगे। अब खोलेंगे क्राउन का बोर्ड, सारा क्राउन का बोल्ट को खोल लेंगे। इस तरीके से हैमर के सहायता से इसको खींच के बाहर करेंगे। हैमर के सहायता से इसमें देखिए क्लियरेंस हो गया है, जो कि स्क्रू ड्राइवर अब पूरा अंदर जा चुका है, पूरा अंदर आ जा रहा है, ये पूरा चपका हुआ रहता है, ये बाहर पड़ा हुआ है। इसमें हमने दो बोल्ट छोड़ दिया था ताकि क्राउन निकालने टाइम कोई दिक्कत ना हो, इसका बोल्ट लूज करके और दिखाते हैं स्पाइडर सेट को। ये रहा है स्पाइडर सेट, जो कि पूरा टूटा हुआ है, पूरा ख़त्म है। ये देखिए इसका बैरिंग सीम, सारा चीज ख़त्म है। वाशर, ये पूरा हाउसिंग कट गया हुआ है, फिर हो चुका है पूरा बाहर। ये रहा इसका सन गया, सब बाहर है। इसका वाशर ये चुका हो चुका है पूरा एकदम डिसमेंटल, पूरा बाहर आ चुका है। हाउसिंग ये पर आया, पिनियन वो पर आया, पूरा पड़ा हुआ है। अब करेंगे तेल पिनियन को डिसमेंटल। ये रहा तेल पिनियन, इस प्रकार इस पर नट को चढ़ा लिया गया है ताकि इसका गुना जिसको बोलते हैं वो खराब ना हो। थ्रेड ठीक है, प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, इसको हम पटक पटक के देसी जुगाड़ से इसको बाहर करेंगे। अब देसी टेक्निक है ये, आप इसको प्रेस से भी आसानी से बाहर करें। हम इसको ठोक ठोक के देसी जुगाड़ है, हो चुका है अब बाहर। इसको खोल लेंगे, ये पूरा कवर से बाहर, हाउसिंग से बाहर हो जाएगा। ये रहा पिनियन, बाहर पड़ा हुआ है इसका हाउसिंग, ये भी बाहर पड़ा है। ये रहा सारा सामान जो कि पड़ा हुआ है, पूरा डिसमेंटल हो चुका है। डिसमेंटल करना कोई बड़ा बात नहीं है, नट बोल्ट का केयर करना सबसे बड़ा बात होता है। चलिए अब हम नट बोल्ट को उठा के रखते हैं, सबको संभाल के। एक कार्टून लिया हूँ, ये रहा कार्टून, इसी में सबको संभाल के रखते रहे।